हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन टू गिव कंडेंसेशन प्रोडक्ट कॉल्ड बेंजोइन एंड दिस कंडेंसेशन रिएक्शन नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन होता है किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड का साइनाइड आयन के प्रेजेंस में, तो वो देता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट और उसको हम लोग कहते हैं बेंजोइन। और इसी कंडेंसेशन रिएक्शन को हम लोग जानते हैं कि ये बेंजोइन कंडेंसेशन होता है। ये देखिए, 2 मोल बेंजल्डिहाइड है और ये साइनाइड आयन के प्रेजेंस में कंडेंसेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइन। रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन। और ये बेंजल्डिहाइड 2 मोल है, तो ये रिएक्शन होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे ये जो बेंजल्डिहाइड है 2 मोल है और ये एक साइनाइड आयन, तो ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स होगा। तो अब चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म में पहला स्टेप होगा, ये देखिए बेंजल्डिहाइड है और ये जो साइनाइड आयन है बेंजल्डिहाइड के इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा साइनाइड आयन, तो ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे और ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं। फिर ये जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो होगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन। जब हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हाइड्रोजन था यहाँ का, ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन हो गया, तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया और आप देख सकते हैं कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं। स्टेप टू में ये जो कार्बन आयन फॉर्मेशन हुआ था, ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा बेंजल्डिहाइड का, तो ये जो डबल बॉन्ड है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं। ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगा, ये ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से साइनाइड आयन बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही साइनाइड आयन बाहर निकलेगा तो ये फॉर्मेशन होगा बेंजोइन का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइनाइड आयन बाहर निकल गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू।